और यहाँ पर हम लोग बनाएंगे डॉल सेट, और इसके अंदर हम लोगों ने एक किचन सेट बनाएंगे सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छा ही किचन लगता है पूरे घर में। और तो सबसे पहले हम लोगों ने रेडी करना है फ्रिज। तो हम लोग फ्रिज में क्या रखें उमामा? सबसे पहले हम लोग रख देते हैं ये फिशेस। गुड आइडिया। अब हम लोग सारी फिशेस अपने अंदर सेट कर देते हैं ताकि हमारी डॉल को कोई प्रॉब्लम ना हो अपनी फिशेस को निकालने के लिए। और एक शेल भी रख देते हैं, कितना क्यूट है ये। और ये तो यहाँ पर हमारा फ्रिज हो गया बिल्कुल सेट। अब हम इसे यहाँ पर रख देंगे। एंड ये है हमारा ओवन सेट, और यहाँ पर इसके स्पून्स भी रख रहे हैं। ये विंडो भी है एक बहुत प्यारी सी, और यहाँ पर स्टोव है इनके चूल्हा, ये हम यहाँ पर रख देंगे। और इसके साथ साथ हम लोगों ने थोड़ी सी ट्रे ली है, हम वो भी रख रहे हैं। इसकी ट्रे कहाँ गई? सारी अच्छी ये रखी मैंने सामने रखी है, मेरे देखे नजर नहीं आए। ये सारी हम लोग जो हैं ट्रे सेट कर देंगे यहाँ पर इस जगह पे। और इसके साथ साथ हम लोग मैंने रखनी है ये बास्केट। ये दो ऑरेंज कलर की हैं और एक ग्रीन कलर की है, ये बहुत प्यारी हैं। इसको हम यहाँ पर माशाल्लाह। और इसके बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। जब मैं फातिमा की जितनी थी तो फिर हम लोगों ने ये ली थी, और मैंने अभी आज तक संभाल के रखी है। क्योंकि मम्मा पापा कहते हैं कि बिल्कुल भी ट्वाइस ना नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि यादें होती हैं बचपन की, बड़े होकर याद नहीं होती हैं एक तरह की। और हमें फातिमा से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि ये हमारी ट्वाइस संभाल के रखें। और साथ साथ हम लोग अब हम रखेंगे इसके किचन में प्लेट्स और कुछ और पैन रखेंगे और थोड़ी सी पतीलियाँ रखेंगे। इसे किचन में सेट कर देते हैं और बास्केट्स के अंदर। इसके अंदर हम लोगों ने सारे रखनी है डिशेस रखनी है सारी, साथ में एक छोटी सी प्लेट भी रखेंगे हम। ये बिल्कुल छोटी सी प्लेट है और ये बिल्कुल छोटा सा पैन है। पता नहीं देखिए कितना क्यूट है वो। तो वी है यहाँ पर रख देते हैं। और उसके बाद हम लोग सेट, और हम लोगों ने थोड़े से चम्मच भी ले हैं, थोड़े स्पून्स जो हैं बड़े बड़े स्पून्स हैं बहुत ज़्यादा। हाँ आप भी इधर आओ ना, वहाँ पे बैठी हुई क्या कर रही हूँ, मेरे साथ हेल्प करवाओ। ओके आप ही, मैं आपके साथ आके ये स्टोव सेट करवा देती हूँ। ठीक है तो किधर सेट करूँ? यहाँ इधर राइट। इसके साथ थ्री स्पून्स भी रख देते हैं हम लोग। और अब हम लोगों ने रेडी करना है बेडरूम। तो बेडरूम के लिए हम लोगों ने थ्री बेड लिए हैं इसके लिए, और हम लोग इन बेड्स को यहाँ पर सेट करेंगे। हम लोगों ने बेड सेट कर लिए हैं, उसके साथ हम लोग ये भी सेट करेंगे कबर्ड। कबर्ड यहाँ पर रखते हैं। हाँ जी फातिमा बोलेंगे चेयर रखनी है। ओके हम लोग ये चेयर भी रख देते हैं फातिमा के कहने पर। उसके ऊपर ये चेयर भी सेट करना। ये हमारी जो चेयर्स हैं वो हम लोगों को रखेंगे गैराज में। और साथ साथ एक टेबल भी रखेंगे यहाँ पर, गया भी लगेंगे। और उसके बाद ये थोड़े से मिरर हैं इस डॉल के लिए, और ये भी डॉल के लिए, इस डॉल के लिए भी और इस डॉल के लिए भी। यहाँ पर रख रहे हैं हम एक कॉम, थोड़े दो मिरर, और ये फिल हो गए। ओके इसे हम यहाँ पर रख देंगे अलमारी के साथ, यानी कि कबर्ड के साथ। और ये है इस्त्री सेट, आयरन सेट। और फातिमा क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? कार में रखेंगे हम। ओके हम इसे गैराज में रख देते हैं। ओह माय गॉड स्मॉलर बाइक भी है और साथ साथ हम लोग यहाँ पर परफ्यूम भी रख रहे हैं यहाँ पे। ये तो रख दो। इट्स आर्टिफिशियल परफ्यूम। हाँ
हम लोग ये भी रख रहे हैं, ये एक प्रकार टॉयज हैं, ये भी हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं। ओके ये हम लोगों ने रख दिए छोटी छोटी टॉयज जो कि फातिमा को भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये एक कार रख दिया है हम लोगों ने इसके साथ, और इसके साथ ही हम लोगों ने थोड़ा सा एक छोटी सी हैंड बेबी ली है, यहाँ पर रख देते हैं हम लोग इसको। और ये हम लोग रखेंगे ड्रेसिंग टेबल यहाँ पर बेडरूम में। ओके और अब हम लोग रेडी करेंगे बाहर का लिविंग रूम, और हम लोगों ने बाहर के लिविंग रूम में रखने हैं एक टीवी बड़ा सा, बहुत बड़ा है माशाल्लाह। उसके साथ साथ हम लोगों ने रखना है ये सोफ़ा, उसके साथ साथ हम लोगों ने तीन सोफे रखने हैं इसके साथ, और यहाँ पर हम लोगों ने 3 सोफे रखे हैं। और इसके साथ हम लोग यहाँ पर एक टाइगर भी रखा है छोटा सा। और ये हमारा फाइनल लुक है हमारी डॉली के लिए, काफ़ी प्यारा लग रहा है ये फाइनल लुक, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये आ गई है हमारी डॉली, तो इसको हम लोग लेके जाएंगे आउटिंग पे। सो ये तैयार हो गई है राइड के लिए, और हम इसको यहाँ पे अच्छी तरह से बिठा देंगे फिट करके। तो ये हमारी डॉल का आ गया है कैमरा, क्योंकि ये टाइम है डॉल के फ़ोटोशूट करने का। तो बाहर जो है सनलाइट होती है, तो उससे बचाने के लिए हम लोग इसको आगे कर देंगे। एंड अब हम लोग जाएंगे इसको लेके। तो हो गया है हमारी डॉल का फोटोशूट, तो अब हम इस कैमरे को इसके साथ यहाँ रख देंगे। तो गाइस आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको कैसी लगी हमारी डॉल की सेटिंग और इस डॉल की भी सेटिंग, और जिसने हमारे साथ बहुत हेल्प करवाई है। और हमारा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।